मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डूइंग स्टैंडर्ड थर्ड मैथ्स यूनिट 4 एक्सरसाइज 4.5 एक्सरसाइज 4.5 ऑन पेज नंबर 106 राइट। यू कैन सी दैट दिस एक्सरसाइज स्टूडेंट्स यू हैव टू डू इन योर टेक्स्ट बुक आल्सो एंड द सीडब्ल्यू आल्सो एंड दिस मैनर यू विल राइट द सम्स इन द टेक्स्ट बुक इन द पेन सॉरी ओके। So we'll start from the first one, question 2, find the difference. आपको मैंने minus करना सिखाया है, मैंने all sums, all the questions, second के सब sums मैंने यहाँ पे लिख डाले हैं, from A to F. We'll go step wise. You should see very well that how to write and how to do step wise. First thing is you have to keep in mind that you have to start with the ones digit. यहाँ 100 tens और ones दिया है, आपको one digit से ही start करना है, right? So you can see here 600 is given and minus 234, तो 0 minus 4 not possible. So here also second number is also 0, so you will go for the 100 digit and you will cut here and put 5. You will borrow here 1, that becomes 10. You will cut again 10 and put here 9. You borrow here 1. 10 हो गया, right? इस तरह से आपको यहाँ तक का borrowing करना है। अगर यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, तो यहाँ से number borrow करते करते आपको ones की digit पे 10 लाना है, right? Then 10 minus 4, 10 है, उसमें से 4 निकल गया, 1, 2, 3, 4, कितना रहा? 6, right? 9 minus 3, 9 है, उसमें से आपको 3 निकालना है, 1, 2, 3 means 7. 5 minus 2, 5 में से 2 निकाल दिया तो कितना रहा, 1, 2, 3, right? To make you understand is the thing that from 0 digit, अगर 1s में ना 10s में है, तो 100 के digit को cut करते करते आपको 1s तक उसका figure ले जाना है, right? Same here it is given 500. 0 minus 6 is not possible. मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया कि ऊपर अगर नंबर है और नीचे 0 है तो नंबर इटसेल्फ कम, बट इफ द नंबर इज अपर नंबर इज 0, 10 वंस की जगह पे 0 है और नीचे दूसरा नंबर है, तो आपको बोरो करना पड़ेगा, दूसरे नंबर में से आपको बोरो करते हुए चलना है। सो नेक्स्ट इन टेंस आल्सो द 0 minus 7 इज देयर, सो इट्स नॉट पॉसिबल, सो डायरेक्टली यू विल गो टू 100 डेज, you will cut 5, you will put 4 over here, then you will borrow 1 over here, it becomes 10, still आपको यहाँ लेना है, तो ये 10 को कट करके आपने 9 लिया, यहाँ पे 1 आया, 10 हो गया, right? तो 10 minus 6, 10 है, उसमें से 6 चला गया, तो कितना रहा? 4. 9 minus 7, 2. 4 minus 1, राइट आप लोगों को बहुत अच्छे से पहला स्टेप आपको मैंने बोला कि 1 से स्टार्ट करना है, बिल्कुल सही है, मगर 1 की जगह पे 0 है तो आपको 10s में से बोरो करना है, 10s की जगह पे 0 है तो आपको 100 में से बोरो करना है, राइट। फर्स्ट पे अटेंशन, फर्स्ट स्टेप इज वेरी नेसेसरी और बहुत जरूरी स्टेप है, वो स्टेप अगर आप गलत करोगे तो आप कर नहीं पाओगे। अगर आप यहाँ पर बोरो करके फिर यहाँ नहीं लोगे, यहाँ लेके डायरेक्ट पहले ये इसको कट है, कट करना बोरोइंग करना फर्स्ट स्टेप होगा, राइट। सेम हियर आल्सो 4 इज देयर, यू विल कट 4, पुट 3, 10 हुआ, 10 को वापस कट करके 9 किया, फिर वापस यहाँ 1 बोरो हो गया, मींस 10 माइनस 3 गोज 7, 9 minus 4, 9 है, उसमें से 4 निकाल डालना है, तो कितना रहा? 5. 3 minus 2, 3 में से 2 निकाल दिया, तो कितना रहा? 1, right? Same way, you will do now this. In this also 700, ये 0 के digit का ही मैं आपको समझा रही हूँ, ताकि आप लोग को problem ना हो, कहाँ से borrow करना, कैसे setting करना, what is the first step? Pay attention very much when I am doing the sum step wise, क्योंकि आपको अपने आप भी सीखना है बच्चों, okay? 7 cut किया, यहाँ 6, आप जैसे cut करो पहले आप उसका figure लिख डालो, आप figure लिखने में अगर देर करोगे कि भूल जाओगे तो आपका answer गलत आएगा, right? 6 हुआ, यहाँ पे
आपके वन बोरो हो गया इसका वन, फिर वापिस इसको कट करके नाइन किया, वन बोरो हो गई और राइट हो गया। तो टेन माइनस सेवन गोस थ्री, नाइन माइनस थ्री सिक्स, सिक्स माइनस फोर टू, गॉट इट। नाउ सेम हियर आल्सो 900 इज देयर, सो दिस वंस एंड टेंस प्लेस हैव जीरो, सो विल कट द 100 प्लेस, विल पुट कट एंड विल पुट एट। यहां पे वन बोरो हो गया, 10 हो गया, 10 को कट करके 9 किया, यहां पे वन बोरो हो गया राइट। 10 माइनस 8 2, 9 माइनस 5 9 माइनस 4 5, 8 माइनus 3 5, right? Now the last one is also the same thing to make you understand. Last sum, pay attention. 3 को cut किया, 2 लिखा, और यहाँ borrow हुआ, इसको cut करके 9 लिखा, और यहाँ पे 10 हो गया, right? 10 minus 3, 7. 9 minus 2, 7. 2 minus 1, 1. Got it? Now we'll do the further sums, okay? So now we are doing the second sum, which is third sum of page number 106. That also you have to do in the textbook also and pair book also, okay? So pay attention, it's also the zero digit ka hi hai. Subtract mentally, right? Same, it is of zero. In one sentence place, zero is there on upper side. So, we have to borrow the number. We have to carry one number and take the number to minus the digit, right? So, 0 minus 5 not possible. 0 minus 9 not possible. So, 7 will be cut. Here it comes 6. 1 borrow. It gets 10. 10 wapis cut karke 9 likha. Aur yahan pe 1 0 10 aagaya, right? 10 minus 5, 5. 9 minus 9, 0. 9 से 9 ही चला गया तो क्या रहेगा? कुछ नहीं. 6 minus 2, 4. Right? Second one. Again the same way, 10s and 1s में 0 है, 100 में से आपने borrow करना है. Right? 5 minus, cut किया तो 4. 4 का यहाँ पे borrow किया. अगेन यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है हमें, जीरो का जीरो है तो यहाँ वापस बोरो करने की जरूरत नहीं है। तो 10 माइनस 4 कितना होगा? 6. 4 माइनस 2 गोस 2, राइट। नाउ सी वन, अगेन वंस और टेंस में जीरो है तो 100 में से बोरो करेंगे, 7 8 को कट करके 7 लिखा, 1 यहाँ बोरो हुआ, यहाँ पे बोरो करना पड़ेगा, सो 10 को कट करके 9 किया और यहाँ पे 10 हुआ। तो 10 माइनस 4 गोस 6, 9 माइनस 7 2, 7 माइनस 3 4, अगेन यू द सेम थिंग, सो 100 प्लेस में से 9 को कट करके यहाँ 8 लिखेंगे, यहाँ 10 हुआ, 10 को अगेन कट करके 9 लिखेंगे और यहाँ पे 10 किया हमने, राइट। तो 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 5 4, 8 माइनस 8 0, राइट। अगेन सेम थिंग ओवर हियर, 100 में से 6 को कट करके यहाँ 5 लिखेंगे, 1 बोरो करेंगे, 10 को कट करके 9 करेंगे और यहाँ पे 10 करेंगे, राइट। 10 माइनस 7 3, 9 माइनस 3 6, 5 minus 4, 1. Got it? So students, I have done exercise 4.5 that you have to do in the textbook also and fair book also. अगर आपको अभी भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो कभी भी, मगर अच्छे से ध्यान देके करो, okay? So have a nice day. Thank you.